जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव ने आज भगवती नगर का दौरा किया और वहां पर यात्री निवास जाकर अमरनाथ यात्रियों को मुहैया करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने यात्री निवास में प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। चंद्रमोहन गुप्ता ने इस मौके पर अपने भगवती नगर दौरे के बारे में अवगत भी करवाया। हर साल की तरह यात्रा दो साल पिछले कोरोना काल के कारण नहीं हो सकी, लेकिन इस बार की यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है। हर एक आदमी चाहता है जम्मू कश्मीर जाना और जम्मू यात्रा करने के लिए, और बहुत सी यात्रा आ रही है जो सुनने में आ रहा है। और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पूरी पहले से डबल ट्रिपल तैयारी है, सरकार की तरफ से भी है। सरकार ने ड्यूटी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर आयद की है। लखनपुर से लेकर बनाल तक जितने भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ यात्रा के बेस कैंप हैं, उन सबको सैनिटेशन सुविधा जो है वो देनी है। उसमें बहुत से हमने टॉयलेट्स बनाए हैं अलग अलग किस्म के, नहाने के लिए, यूरिनल के लिए, उसके लिए उन सबको मॉनिटर करने के लिए यहाँ बेस कैंप में हम लोग आए थे। मेरे साथ डिप्टी मेयर थे, हमारे चेयरमैन और सीनियर कार्यकर्ता थे, प्रमोद कोपाई जी थे, हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद सुचा सिंह जी स्थानीय पार्षद, इस तरह कुल मिला के एक अच्छा आज तैयारी को देखा गया है। फिर 29 तारीख को यात्रा आने से एक दो दिन पहले फिर पूरी तैयारी देखेंगे, कोई कमी ना रहे, हमारे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। इस बार एक अच्छा संदेश, जिस तरह कुंभ के मेले में प्रयागराज में एक अच्छा संदेश गया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के बारे में, इस यात्रा को भी उन्होंने स्वच्छता यात्रा कहा है। हमने यात्रा के साथ साथ और पूरी हम मेहनत के साथ, लगन के साथ, हमारी जितनी लोकल बॉडी हैं जम्मू कश्मीर की, सब इसके ऊपर काम कर रही हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी, उनकी पूरी टीम, हमारे कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हमारा सैनिटेशन विंग पूरा है, और हमारा जो दूसरे डिवीजन हैं हेल्प, हमारे इंजीनियरिंग विंग भी सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और लाइटें भी अच्छी कर रहे हैं, हर किस्म की बढ़िया से बढ़िया सुविधा देंगे। और रात को भी हम मॉनिटर करेंगे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, 2 बजे, 3 बजे यात्रा निकलती है, पूरा किसी यात्री को असुविधा ना हो, सैनिटेशन पूरी प्रॉपर हो। जो हमने डिप्लॉयमेंट की है, अपनी जो सारी टीमें वो पूरी हाजिर हों, उसके ऊपर हम सब मिलकर मॉनिटर करेंगे। और आपके माध्यम से जम्मू वासियों से अपील है, हाथ जोड़ करके इस बार यात्रा का स्वागत करिए। आप कोई ना कोई फ्लैक्स लगाइए, कुछ ना कुछ करिए, बाजारों में जब यात्री आए उनको हाथ जोड़ के उनका स्वागत करिए। एक बार उनका जरूर ये शब्द यूज़ करिए, आप सबका स्वागत है जम्मू शहर के अंदर अमरनाथ यात्रियों का। मुझे लगता है कि वो यात्री एक अच्छा संदेश लेके जाएंगे और लोग आएंगे। जितना यात्रा ज़्यादा आएगी, जितना टूरिस्ट ज़्यादा आएगा, इतनी हमारी इकॉनमी अच्छी होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मैं यही अपील करता हूँ जम्मू वासियों से, इस बार की यात्रा को आप स्वागत करिए और अच्छा स्वागत करिए। बाबा की यात्रा जो 30 जून से शुरू हो चुकी और 11 अगस्त तक चलेगी हमारी यात्रा, इस बार प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से फोकस्ड और कंसिडर करते हुए ये है कि हमारी 2 साल के बाद कोविड एरा के बाद ये पहली यात्रा है, एक स्वस्थ माहौल में, और ऐसा माहौल रहे कि लोग यहाँ से एम्बेसडर बनके अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ जब जाएंगे तो वो एक पैगाम लेके जाएंगे कि जम्मू कश्मीर एक हमारे हर एक जाति, हर एक धर्म का एक गुलदस्ता है, और ये संदेश अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाकर वो लोगों को दे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारा कार्यरत है, इस बार हमारी सारे ULBs को कंबाइन करके लखनपुर जो हमारा प्रवेश द्वार है वहाँ से लेके बनिहाल तक जितने भी हमारी ULBs कॉरपोरेशंस हैं सारे कार्यरत हो रहे हैं, समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। सफाई हमारा पहला मुद्दा है, स्वच्छ पानी मुहैया कराना पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में वो हमारी प्रायोरिटी है। जगह जगह आप देखेंगे कि हमारी तरफ से प्याऊ हमारे जो वाटर कूलर्स हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक व्यवस्था में करे गए हैं, ताकि एक स्वच्छ पानी की व्यवस्था आने वाले दिनों में हम अपने श्रद्धालुओं को, टूरिस्ट को हम दे पाए। जगह जगह आप देखेंगे हमारे डस्टबिन इंस्टॉल कर दिए गए हैं, यात्रियों को कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। इस बार हमारे 267 हमारे जो हमारे प्री फैब्रिकेटेड हमारे टॉयलेट्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे हैं जगह जगह पे, यूरिनल्स को भी इंस्टॉल किया गया है, प्लस हमारे जो बाथरूम्स हैं जिसमें आप नहाने की व्यवस्था रहेगी वो भी जगह जगह हमने श्रद्धालुओं के लिए लगाई हुई है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं वहाँ पर
एडिशनल मैन पावर भी लगाई गई है टॉयलेट्स को मेंटेन करने के लिए, और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर एडिशनल टॉयलेट की आवश्यकता थी वहाँ पर प्रीफैब स्ट्रक्चर के टॉयलेट्स भी हमारे द्वारा लगाए गए हैं, जिनकी भी मेंटेनेंस हमारे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ही की जाएगी। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और पूरी कोशिश जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से रहेगी कि इस बार हमारी यात्रा पूरी तरीके से लेटर फ्री और गार्बेज फ्री हो। प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या आती है सर, प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स। देखिएगा, 1 जुलाई से पूरे हिंदुस्तान में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन किया गया है, और इस क्रम में हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा भी नोटिस निकाला गया है, न्यूज़पेपर में भी नोटिस पब्लिश किए जा रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन को हमने फॉलो करना है। इसी तरीके से 75 माइक्रोन से कम की जो प्लास्टिक है उसको भी यूज़ नहीं करना है जी। और इसमें कल भी एक नोटिस, पब्लिक नोटिस हमने निकाला है कि जो भी एक्ट के तहत कार्रवाई है फाइन की वो भी की जाएगी, और इसके साथ साथ जो रिपीट ऑफेंडर हैं, जो वेंडर अगर बार बार पकड़ा जाता है पॉलीथीन का यूज़ करते हुए, तो उनके वेंडिंग लाइसेंस भी हम कैंसिल करेंगे, सो दैट एक डिटरेंस हो। क्योंकि एक ये भले ही वो उस समय आपको एक ईजी लगता हो, पर लॉन्ग टर्म में ये ना केवल सैनिटेशन के लिए बल्कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसको प्लास्टिक बहुत नुकसान पहुंचाती है। लगभग सर 2 साल के बाद फुल फ्लेज अभी यात्रा होने जा रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ अलग इस पर देखिएगा। जैसे मैं आपको बताया कि हमारी कोशिश है किस तरीके से हमारी यात्रा पूरी तरीके से लिटर फ्री, गार्बेज फ्री हो सके, तो उसके लिए हमारा पूरा IEC प्लान, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान हमने बनाए हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी किसी भी यात्री को कोई भी इनकन्वीनियंस सैनिटेशन को लेकर ना। धन्यवाद सर। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.